तो कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा त्रिकोण आता है नाइन्थ, और केंद्र आता है हमारा दसवां। अगर इनका संबंध बनता है तो एक अच्छा राजयोग होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि दसवें नवें का संबंध बने। अगर जितने ज्यादा से ज्यादा संबंध बनेंगे उतना अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो केवल राजयोग केवल जन्म कुंडली में नहीं बल्कि D1 और D10 दोनों में ही देखने चाहिए। वैसे तो जो किताबें हैं वो कहती हैं कि जन्म कुंडली और दशमांश में देखिए अगर प्रोफेशन के लिए देख रहे हैं, बट और अगर और अच्छी बुक्स में आप जाते हैं तो वहां पे ये कहते हैं कि जन्म कुंडली, नौमांश कुंडली और दशमांश कुंडली में देखिए, तीनों में देखिए। देखना क्या है, देखने का तरीका यही होगा कि जन्म कुंडली के केंद्र और त्रिकोण भाव का संबंध जन्म कुंडली में हो, ऐसे नौमांश कुंडली में केंद्र और त्रिकोण भाव का संबंध आपस में हो, और ऐसे दशमांश कुंडली में भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध आपस में हो। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो उसमें क्या होता है, वो यानी कि हमें जो राजयोग देखना है वो कहाँ देखना है, D1 में केवल देखना है कि D1, D9, D10 तीनों में देखना है, कहाँ देखना है? तीनों में हाँ, तीनों में तीनों देखना, में तीनों में देखिए। अब जैसे D1 कुंडली आपके पास है तो D1 यानी जन्मांग कुंडली, राशि कुंडली जिसको आप कह रहे हैं, और नौमांश कुंडली, तो नौमांश कुंडली में भी आप देखिए। अब ये हो सकता है कि जन्म कुंडली में जो केंद्र त्रिकोण के प्लैनेट हैं वो नौमांश कुंडली में ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन नौमांश कुंडली में अपना एक अलग तरीके से राजयोग देखिए। मतलब जो आप नौमांश कुंडली को जन्म कुंडली मान करके राजयोग देखिए, ऐसे दशमांश कुंडली को भी एक अलग से देखिए। अलग से देखने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप कुंडली विश्लेषण करते हैं उसी प्रकार से वहां पर भी उनको देखिए, यानी उनके भी केंद्र त्रिकोण का आपस में संबंध देखिए। तो जितना ये संबंध अच्छा होगा उतना अच्छा है। अब मान लीजिए कि जो राजयोग बनाने वाले जो ग्रह हैं, अगर वही वो कहीं कुंडली के अंदर उच्च के हो जाए या स्वराशिस्थ हो जाए, है ना, या अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाए, तो बहुत अच्छा राजयोग माना जाएगा। ये बात समझ में आई? मान लीजिए किसी का नौमेश और दशमेश, मान लीजिए कि क्या नाम है, मीन लग्न की कुंडली, सॉरी मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली में नौमेश और दशमेश कौन हुआ? गुरु शनि शनि और गुरु गुरु और गुरु शनि शनि हो गए। अब इसमें से कोई भी प्लेनेट, अब मान लीजिए गुरु और शनि क्या नाम है एक साथ आ गए, कहां पर आ गए, गुरु अपनी उच्च राशि में आ गया यानी कर्क राशि में गुरु और शनि का राजयोग बन गया, या तुला राशि में गुरु और शनि का राजयोग बन गया, तो ये पावरफुल हो गया बहुत। यानी कहने का मतलब है कि जो राजयोग बनाने वाले ग्रह हैं अगर वो कहीं उच्च के हो जाए या स्वराशिस्थ हो जाए या क्या हो जाए या क्या नाम है अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाए, तो वो एक अच्छे प्रकार का राजयोग होगा। एक बात। दूसरी बात कि ये राजयोग बनाने वाले ग्रह अगर केंद्र और त्रिकोण में राजयोग बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर वो छठे आठवें बारहवें में ये राजयोग बनाते हैं तो छठे आठवें बारहवें अगर राजयोग बनेगा तो क्या होगा, तो वहां थोड़ी समस्याएं भी रहेंगी। ये बात हमारी समझ पाई? नहीं समझ पाए हमने जो बोला आपको, ये बात आप हमारी समझ पाए जी मैंने बोला? जी जी, क्या बोला? समझ नहीं आया बिल्कुल हाँ, कि अगर मान इसलिए लीजिए कर कोई भी ग्रह केंद्र त्रिकोण में, मतलब केंद्र त्रिकोण के लॉर्ड हैं और वो राजयोग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं, और राजयोग बनाने पर वो क्या हो जाए, वो एक तो ये या तो उच्च के हो जाए, और उच्च के भी हो और केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। उच्च के हो, स्वराशिस्थ हो, मतलब वो स्वस्थ होने चाहिए, वो नीच उच्च के ना हो। अब पता चला वो नीच के हो गए और केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं तो राजयोग तो देंगे लेकिन उसमें नीचता भी रहेगी, यानी दिक्कत भी आएगी। और अगर कहीं वो छठे आठवें बारहवें में बैठ जाएंगे तो क्या होगा, तो थोड़ी बहुत समस्या भी दे सकते हैं। थोड़ी बहुत क्या दे सकते हैं, वो समस्या भी दे सकते हैं। ये बात समझ नहीं, समस्या कैसी दे सकते हैं? सर एग्जाम्पल मेष में और एग्जाम्पल बहुत ही वृषभ बड़ा, में नवम दशम का स्वामी शनि हुआ तो शनि खुद के ग्रह में बैठा होगा तो राजयोग बना। हाँ राजू, लेकिन शनि अकेले थोड़ी ना, ओके उसका साथ में उसका उसका केंद्र त्रिकोण के साथ संबंध का मतलब क्या कि दूसरा वाला तो ग्रह भी होना चाहिए ना, ओके वो अकेला ओके ग्रह होगा क्या? जी, वो अकेला थोड़ी ना, शनि ओके
नवांश नवमे दस में शनि हुआ ना, तो दसवें भाव में या दसम में बैठा होगा। नौमे दस में शनि कैसे हो जाएगा? गुरु हुआ ना, नौमे गुरु और शनि हुआ ना। ओके ओके, वृषभ लग्न में, वृषभ लग्न में नौमे दस में शनि हो, हाँ हाँ, तो वो शनि हो गया। तो शनि कहीं अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक वो अपने आप में ही खुद तो के, अच्छा खुद शनि खुद के घर में राजयोग बनाएगा। हाँ वो राजयोग बनाएगा उच्च का, और वृषभ लग्न में शनि तो कारक ग्रह है ना। हाँ हाँ, तो कारक ग्रह ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक वो तो राजयोग कारक तो होता ही है। okay. जो कारक ग्रह होते हैं, कारक ग्रह, कारक ग्रह बताया था ना, वो तो अपने आप में ही हाँ. वो तो अपने आप में ही राज वो राजयोग कारक होते हैं। हाँ जी सर जी, तो यहाँ पे इस चीज को देखना है। हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई भी ग्रह है जो राजयोग बना रहा है, और राजयोग बनाने पर वो क्या करे, वो राजयोग बनाने पर अगर केंद्र त्रिकोण में आ जाए या उच्च के हो जाए, तो ये बहुत अच्छे टाइप का राजयोग होगा। ये बहुत अच्छे टाइप का क्या हो जाएगा, राजयोग हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब जैसे मान लीजिए कोई कुंडली ले ली हमने, चलिए मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली ले लेते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब मान लीजिए देखिए जी, अब इनमें देखिए ये कौन हो गया, ये मंगल और गुरु हो गया, ये मंगल और गुरु हो गया नौमेश दशमेश। अब मान लीजिए मंगल और गुरु यहां पर आ गए, मंगल और गुरु, अब देखिए क्या होगा, राजयोग बना कि नहीं बना पहले। गुरु जी आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, गुरु जी स्क्रीन शेयर नहीं, अरे शेयर तो नहीं हुई क्या, चल गई क्या, अब आ रहा है, अब आ रहा है। देखिए यहाँ पे नौमेश दशमेश कौन हो गया, मंगल और गुरु हो गए। अब देखिए मंगल कहाँ बैठे हैं, यहाँ पर, और गुरु यहाँ पर बैठे हैं, तो ये राजयोग कारक बने कि नहीं बने पहले ये बताइए। जी बने हैं, क्योंकि नौमेश दशमेश का संबंध तो बन ही गया ना यहाँ पर, आमने सामने एक दूसरे को दश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए मंगल भी नीच के और गुरु भी नीच के हैं, ये बहुत बढ़िया राजयोग बना है कि खराब राजयोग बना है, खराब राजयोग, मतलब है तो राजयोग खराब, लेकिन हाँ, लेकिन इसमें क्या होगा कि इस राजयोग में इसको समस्या भी आएगी। हाँ, इस राजयोग में इसको क्या आएगी, इस व्यक्ति को समस्या भी आएगी, क्योंकि क्या है कि ग्रह नीच के हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि यहाँ पर क्या है कि ये एक तो लग्न में बैठे हैं, और एक तो कहाँ बैठे हैं, एक तो सप्तम भाव में केंद्र में बैठे हैं, तो इसमें क्या, इसको समस्या तो आएगी, लेकिन एक राजयोग तो बना ही हुआ है एक प्रकार का। ठीक है, तो ये बहुत निम्न स्तरीय राजयोग कहलाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम इस प्रकार की चीजें ले लें, इसी कुंडली में मान लीजिए मंगल और गुरु को हम ले लेते हैं, कुछ अच्छी जगह ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए मंगल और गुरु यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पे भी देखिए राजयोग बना है कि नहीं बना है, अब ये बहुत अच्छा राजयोग हो गया। क्यों बहुत अच्छा राजयोग हो गया, क्योंकि एक तो नवम दशम के जो लॉर्ड है, नवम दशम के लॉर्ड वो कहाँ पर आ गए, एक तो वो अपने घर में है, और साथ में केंद्र में, और किस केंद्र में है, बहुत अच्छे केंद्र में है, दशम भाव के केंद्र में, तो बहुत अच्छा हो गया। और मंगल तो यहाँ पर क्या हो गया, मंगल तो दिग्बली भी हो गया यहाँ पर दशम भाव में,
तो पहले भी कुंडली में जो यहाँ पर हमने दिखाया था यहाँ पर भी राजयोग था और यहाँ पर भी राजयोग है, लेकिन अब दोनों में ये वाला राजयोग ज्यादा अच्छा हो या ऐसा हो जाए, या ऐसा हो जाए यहाँ पर क्या कि मान लीजिए मंगल गुरु को यहां बैठा दिया आपने, ये भी बहुत अच्छा राजयोग हो गया। क्यों अच्छा राजयोग हो गया? क्योंकि त्रिकोण में बना हुआ है। ठीक, अब यहां पर देखिए जरा क्या कंडीशन होगी। ये कंडीशन मान लिया आपने मंगल गुरु को लेकर के यहां पर बैठा दिया, ये देखिए अब क्या है, अब तो खराब हो गया ना। अब अच्छा हुआ कि खराब हुआ? खराब हो गया गुरु जी, खराब हो गया। मतलब है तो राजयोग ये भी, लेकिन यहाँ पे क्या समस्या है? यहाँ तो काफी समस्याएं आई। इसी प्रकार छठे या बारहवें में बन जाए तो भी समस्या देगा। तो ये कहने का मतलब है कि अगर राजयोग बनाने वाले ग्रह का संबंध छठे आठवें और बारहवें से हो जाता है, छठे आठवें और बारहवें से हो जाता है, तो वो फिर समस्या आपको उठा के देंगे। ठीक है, और ये आपको कहाँ देखना है, D1 कुंडली में भी, D9 कुंडली में भी और D10 कुंडली में। अब D10 कुंडली में ये नहीं कि आपको यही मंगल गुरु देखना है। अब D10 कुंडली आप देखिए कि किस क्या नाम है, किस लग्न की है, तो वहां पे नवम दशम कौन हो रहा है, या वहां पे जो राजयोग बना रहा है वहां पे क्या स्थिति बन रही है, उसी प्रकार से आपको देखना है। तो एक तो ये बात आपको समझ में आ गई ना कि जो राजयोग बनाने वाले ग्रह हैं अगर वो क्या हो जाए, वो उच्च के हो जाए, स्वराशिस्थ हो जाए या अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाए तो अच्छा राजयोग होगा। अगर वही राजयोग बनाने वाले ग्रह केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाए तो और तो भी अच्छा होगा, लेकिन अगर वो किसी तरह से नीच के हो जाते हैं या छठे आठवें बारहवें से संबंध रख लेते हैं तो वह राजयोग के साथ साथ क्या देंगे, समस्या भी पैदा करेंगे। राजयोग के साथ साथ क्या करेंगे, समस्या भी पैदा करेंगे। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए राजयोग बनाने वाले कोई भी ग्रह है, मान लीजिए ये यहाँ पे ले लिया हमने मंगल और गुरु ले लिया, अब मान लीजिए मंगल गुरु के साथ यहाँ पे सूर्य आ गए, तो सूर्य से मंगल या गुरु अस्त हो गए तो उतना बढ़िया राजयोग फिर नहीं होगा। एक तो वैसे भी वो आठवें घर में बना हुआ है और ग्रह क्या हो गया, अस्त हो गया, तो वैसे भी वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो वह राजा होता है। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? तो यहाँ पर भी ये समस्या क्रिएट करेगा। राजयोग बनाने वाले जो ग्रह है वो पूरी तरह से स्वस्थ होने चाहिए। स्वस्थ का मतलब उच्च के हो, स्वराशिस्थ में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो और कुंडली के केंद्र या त्रिकोण भाव में हो, अस्त ना हो, नीच के ना हो, कुंडली के छठे आठवें बारहवें से उनका संबंध ना हो, कुंडली के छठे आठवें बारहवें से उसका संबंध ना हो। और अगर मान लीजिए ये ग्रह वक्री हो जाते हैं तब तो और पावरफुल हो जाएंगे ना। यानी राजयोग बनाने वाले ग्रह अगर क्या हो जाए, वक्री, तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। क्योंकि वक्री का मतलब क्या हुआ, सूर्य से दूर हो गया, और सूर्य से दूर ग्रह क्या होगा, ज्यादा पावरफुल होगा, ये भी वहां पे देखा जा सकता है। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? जी। दूसरा, कुंडली में जितने ज्यादा राजयोग हों, जैसे ज्यादा राजयोग का मतलब मान लीजिए नवे दसवें का भी लॉर्ड बना रखा है, पांचवें चौथे का भी जो लॉर्ड है वो भी आपस में संबंध बना रखा है, पांचवें सातवें ने भी क्या कर रखा है, संबंध बना रखा है, ये क्या हो गया, ये और अच्छा हो गया। ऐसे नवे दसवें का संबंध बना हुआ है, ऐसे मान लीजिए नवे और इसका लग्न का संबंध बना हुआ है। किसी का फोन है, ये बंद कर ले अपना भाई। तो ये क्या है, ये जितना ज्यादा राजयोग होगा वो कुंडली उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, प्रभावशाली हो जाएगी, उतनी ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। ये किसी की आवाज कर रहा है, फोन वो बंद कर ले भाई, किसी फोन आवाज कर रहा है। दूसरा, ये अब जो ये राजयोग बनाने वाले ग्रह हैं अगर वो नौमांश कुंडली में वर्ग वर्गोत्तमी हो जाए, वर्ग वर्गोत्तमी का क्या मतलब बताया था हमने, सेम राशि में आ जाए, सेम राशि में,
सेम राशि का मतलब कि अगर लग्न कुंडली में जिस राशि में है नवमांश कुंडली में वैसी राशि में आ जाए तो वो राजयोग और ज्यादा प्रबल हो जाएगा। यानी राजयोग बनाने वाले ग्रह वर्गोत्तम नवांश में आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात नहीं आ गई? ये इस प्रकार की चीजें आपको और भी क्लियर करनी पड़ेंगी कि अगर नवमांश भी वहां पर साथ दे दे तो और अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के केंद्र और त्रिकोण का ही आपको यहाँ पर संबंध बताया गया है कि जितना केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनेगा उस उतना ही ज्यादा वो कुंडली के अंदर पावरफुल होगा। ये किसका है ये फोन, समझ नहीं पा रहा हो? माने गुरु जी, किसका आपका है? ये संजय जी का है। संजय जी लोग अपना माइक से बंद कर लीजिए, अपना फोन ऑफ कर लें सब लोग। चलिए ठीक है, अब देखिए किसी की कुंडली में अगर राजयोग बना और अच्छा राजयोग बना हो, राजयोग समझ गए ना, अच्छा राजयोग किसको कहते हैं, समझ में आया सबको? अच्छा या राजयोग जी तो समझ में आया। हाँ, उसके साथ साथ अगर लग्न भी बलवान हो जाए, अगर अच्छा राजयोग बना है और उसके साथ साथ क्या हो जाए, लग्न भी बलवान हो जाए, तो लग्न का बलवान होना बहुत सारी कमियों को दूर कर देता है, तो वो राजयोग और अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए किसी कुंडली में राजयोग बना है और उसके साथ साथ लग्न भी हमारी क्या हो जाए, पावरफुल हो जाए, लग्नेश या लग्न पावरफुल हो जाए, लग्न पे शुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाए, लग्नेश अच्छे चले हो जाए, लग्नेश केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, तो लग्नेश का केंद्र त्रिकोण में बैठ कर जाना ये भी बहुत अच्छा राजयोग कहलाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो बनने वाला जो राजयोग है वो हमारा और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, वो हमारा बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? दूसरा यहां पर एक आपको लिखा देते हैं, गुरु जी जी बताइए। एक कुंडली है उसमें आपने जो बताया वो तीनों फॉर्मूला लग रहे गुरु जी, नवांश में भी और दशमांश में भी और दीवन में भी, अच्छा राजयोग होगा वो, अच्छा राजयोग होगा जब उस उन ग्रहों की दशा आएगी, उन ग्रहों की जब दशा आएगी तो उस पर अच्छा अच्छा फल देगी। लेकिन डीवन में क्या है ना गुरु जी, जो नवमेश और दशमेश है ये अष्टम में जाके उच्च हो गया है, मतलब उच्च चुके बैठे हैं, मतलब कष्टों के साथ, कष्टों के साथ राजयोग मिलेगा। अच्छा, पहले पहले कष्ट आएगा जबरदस्त। हाँ बिल्कुल, फिर राजयोग फलीभूत होगा। बहुत सही गुरु जी, बिल्कुल यही है। और नवमांश में भी अच्छा है, मतलब नवमांश में तो बहुत अच्छा है। हाँ तो वो, लेकिन कहीं का अष्टम से कनेक्शन हो रहा है ना, तो कहीं का अष्टम से कनेक्शन हो रहा है तो वो चीजें वहां पे ज्यादा क्रिएट करेगा, तो बिना कष्ट आए उसका राजयोग फलीभूत नहीं होगा। वो सोचे कि स्मूथली हमारा हो जाए, स्मूथली नहीं पॉसिबल है। जी जी ठीक है ना, क्योंकि बिना कष्ट आए राजयोग फलीभूत नहीं होगा। सही है, सही है, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार की चीजें वहां पर आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो एक तो ये बात मैंने बतानी थी कि जितना हमारा राजयोग का मतलब क्या होता है, राजयोग अच्छा राजयोग क्या होता है। ठीक, अब अच्छा राजयोग का संबंध छठे आठवें बारहवें से ना हो उतना अच्छा है, नवमेश और दशमेश कुंडली में भी अगर हमारा राजयोग बन रहा है तो और अच्छी बात हो जाएगी। और दशमांश कुंडली में राजयोग का बनना बहुत जरूरी होता है अगर व्यक्ति को जीवन में प्रोफेशन में उठना हो तो, यानी अपनी जॉब अपने करियर में उठने के लिए दशमांश कुंडली में राजयोग का बनना अति आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है। ठीक है, यहाँ पर एक और मुझे बताना था, तो ये हो गया राजयोग वाला हो गया। ये इसमें गुरु जी जी
ये जैसे D1 में कोई दूसरा राजयोग बन रहा है, D10 में कोई दूसरा, तो वो मान्य है ना? हाँ बिल्कुल मानने मानने, मतलब कि एक्चुअली क्या है कि D10 में राशि चेंज हो गई, तो वहां का नौमेश दशमेश अलग होगा जी जी जी, और यहाँ की D1 में राशि चेंज है, लग्न चेंज है, तो वहां का अलग होगा। तो ऑब्वियस है कि वो चीजें तो अलग अलग होंगी, लेकिन अच्छा है अगर वो सेम ग्रह हो जाते हैं तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर सेम ग्रह हो जाते हैं तो और अच्छा होगा। ठीक, एक मुझे और चीज बतानी थी, देखिए हाँ यहाँ पे देखिए पंच महापुरुष राजयोग कहलाते हैं, है ना, पंच महापुरुष योग कहलाता है, उसको पंच महापुरुष योग बोलते हैं। तो इसका भी बड़ा वो आता है, तो उसमें क्या है कि लेते हैं जैसे मंगल का लिया हमने, क्या हम पढ़ा रहे हैं पंच महापुरुष, राजयोग। ये भाई किसी का मोबाइल है, वो पता नहीं क्या कर रहा है, बंद कर देना। ठीक, देखिए मान लीजिए कि जो मंगल लिया हमने, पहला लिया मंगल, मंगल की राशि कौन सी है, मेष और वृश्चिक है ना, मंगल की राशि क्या है, मेष वृश्चिक, और ये उच्च का कहां पर होगा, मकर में, उच्च का कहां पर होगा, मकर में। तो बोलते यदि मंगल मेष वृश्चिक या मकर राशि में होकर जन्म कुंडली के केंद्र में बैठ जाए, केंद्र में, और केंद्र में किस केंद्र में, केंद्र में भी किस केंद्र में बता पाएगा, दशम में, दशम दशम में, दशम में, दशम में, दशम में बैठ जाए तो क्या होगा, तो रूचक पंच महापुरुष योग होता है। तो मंगल मेष वृश्चिक या मकर का होकर केंद्र में, और केंद्र में भी कहां, दशम भाव, दशम भाव में मुख्य रूप से, मतलब और किसी में बैठता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से दशम भाव में बैठ जाए तो कौन सा हो जाएगा, रूचक महापुरुष, रूचक पंच महापुरुष योग होता है, इसको रूचक योग कहते हैं, रूचक योग कहते हैं। संजय जी क्या दिक्कत है भाई, दूसरा देखिए, इसी प्रकार से अगर मिथुन या कन्या राशि का बुध हो, यानी बुध कहां पर आ जाए, मिथुन, मिथुन या कन्या राशि का, कन्या राशि का बुध हो, और तो कहां पर बैठ जाए, केंद्र में, केंद्र में बैठे, तो कौन सा योग बन जाता, भद्र योग, भद्र योग बनता है। रूचक योग कब बनेगा, जब मंगल अपनी राशि या अपने उच्च की राशि में चला जाए और केंद्र में बैठ जाए। भद्र योग कब बनेगा, जब बुध अपनी राशि या अपनी उच्च राशि, क्योंकि बुध की उच्च राशि कौन सी है, कन्या है ना, तो कन्या में चला जाए और केंद्र में बैठ जाए तो क्या हो जाएगा, तो वहां पर भद्र योग बनेगा। ठीक, यदि इसी प्रकार से बृहस्पति, तीसरा बृहस्पति कहां आ जाए, गुरु, या तो धनु के हो जाए या मीन के हो जाए, या अपनी उच्च राशि कौन सी है, कर्क, कर्क में चले जाए और कहां बैठ जाए, केंद्र में, केंद्र में बैठ जाए, तो कौन सा योग बनेगा, हंस योग। ये सब पंच महापुरुष योग में आते हैं, हंस योग बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो शुक्र है, शुक्र चौथा, शुक्र, शुक्र की कौन सी अपनी राशि है, वृषभ राशि, तुला राशि, और शुक्र उच्च के कहां के होते हैं, मीन राशि, मीन, शुक्र उच्च के कहां के होंगे, मीन राशि, ये कहां पर आ जाए, केंद्र में आ जाए, केंद्र में आ जाए,
तो शुक्र अगर यहां पर आ जाते हैं केंद्र में आते हैं तो कौन सा योग बनेगा? मालव्य योग, मालव्य योग, मालव्य योग बन जाता है। ठीक है, पांचवा, पांचवा योग शनि के कारण बनता है। शनि कहां? या तो अपनी राशि में आ जाए या कहां पर आ जाए, या जो है उच्च के, हाँ उच्च के हो जाए, या उच्च के यानी तुला राशि में हो जाए, और कहां पर आ जाए, केंद्र या त्रिकोण में आ जाए, तो शश योग बनता है। तो मकर, कुंभ या तुला राशि कहां पर आ जाए, केंद्र में आ जाए, तो कौन सा योग बनेगा? शश। ये क्या है? पंच महापुरुष योग है ये। तो अगर पंच महापुरुष योग भी कुंडली के अंदर है तो बहुत अच्छी बात। अब पंच में पांचों नहीं हो सकता। इसे कौन सा गुरु का, कौन सा योग कहते हैं गुरु जी? शनि का पंच, पंच महापुरुष राजयोग, ये सबसे नीचे वाला पंच महापुरुष। ये पांचों को पंच बोलते हैं, पांच नहीं लिखा मैंने, देखे मैंने शनि वाले को बोल रहे हैं, शनि को शश बोलते हैं, शश, हाँ शश बोलते हैं, शश। शनि को मंगल को, मंगल को रूचक, बुध के लिए भद्र है, गुरु के लिए हंस है, शुक्र के लिए मालव्य है, और शनि के लिए शश है। गुरु जी अकेले बैठे रहेंगे तभी होगा कि किसी के साथ भी बैठेंगे तब भी ये होगा योग? वैसे तो इनका अकेला बैठना बताया, वो किसी के साथ कैसे बैठेंगे? जैसे अगर युति में हो तो अपने राशि में, ऐसे में अब वो युति छठे आठवें बारहवें के लॉर्ड के साथ ना हो, सातवें भाव में, हाँ केंद्र में हो लेकिन छठे आठवें बारहवें में ना हो, पूरे का भी असर। गुरु जी कोई कोई अच्छे घर का ग्रह हो और नीच का वहां पे होकर बैठा हो तो कुछ प्रभावित करेगा? बिल्कुल करेगा, उसको खराब कर देगा जी। बिल्कुल करेगा, उसको खराब कर देगा बल्कि। तो पंच अगर गुरु जी वो नीच का भी ना हो और अगर केंद्र में भी बैठा हो और गुरु जी उच्च राशि में भी हो, समझ नहीं है मतलब? जैसे शुक्र है गुरु जी, शुक्र का आपने बताया वृषभ तुला या मीन में होकर केंद्र में बैठ जाए तो हाँ। मान लो योग होगा, लेकिन अगर गुरु जी उसके साथ किसी और गए कि युति भी हो, जैसे बुध हो, केतु हो, राहु हो या कुछ और हो, वही तो बताया कि वो जो दूसरा वाला ग्रह है वो कुंडली के छठे आठवें बारहवें से संबंध ना बनाए, नहीं बना रहा गुरु जी, तो बस तब ठीक अच्छा है वो। वैसे तो इनका जो अलग से ही बैठना बताया गया लेकिन फिर भी उसको हम लोग बोल सकते हैं। तो पंच महापुरुष में सबसे पहले कौन सा? मंगल के लिए क्या है? मंगल के लिए रूचक है। दूसरा, मंगल के बाद क्या बताया मैंने? बुध, बुध के लिए क्या बताया? भद्र, बुध के लिए भद्र योग बताया ये गुरु जी। और तीसरा, गुरु के लिए, गुरु के लिए हंस योग है। शुक्र के लिए मालव्य, शुक्र के लिए मालव्य योग है। और शनि के लिए शश योग, शश योग है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पंच महापुरुष। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंच महापुरुष योग बोलते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए वन बाई वन देखिए। आप कुंडली के अंदर मान लीजिए रूचक योग आपकी कुंडली में बना है, तो रूचक योग बनने का मतलब आपके अंदर किस चीज की ज्यादा पावर है? मंगल की, मंगल की ज्यादा पावर है। तो उसके लिए बताते हैं, उस व्यक्ति का चेहरा बड़ा होता है, ठीक है, और बहुत साहस से धन प्राप्त करता है। बहुत साहस से क्या करेगा? धन प्राप्त करेगा, यानी धन प्राप्त करने के लिए क्या होगा? साहस दिखाएगा। धन प्राप्त करने के लिए साहस दिखाएगा, यानी कि किसी भी लिमिट तक जा सकता है धन प्राप्त करने के लिए, मतलब इसमें गलत काम भी हो सकते हैं, इसमें स्कैम स्कैम भी हो सकता है, क्योंकि मंगल है ना, तो मंगल का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? मंगल का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? साहस दिखाना, पराक्रम सर। हाँ वही पराक्रम, मतलब साहस दिखाना, ठीक है। और अगर उसने गलत तरीके से पराक्रम दिखा दिया, और स्पेशली कब? जब वो कुंडली के छठे आठवें बारहवें से संबंध के योग के साथ मिल गया, तो आप समझ लीजिए फिर क्या होगा, तो आप समझ लीजिए फिर क्या होगा, तो होगा ये कि फिर बन जाएगा।
वो चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो मंगल के साथ एक तो व्यक्ति का चेहरा बड़ा होता है और वो धन प्राप्त करने के लिए साहस दिखाएगा, मतलब लालायित होगा धन को प्राप्त करने के लिए, शूरवीर होगा, बलशाली होगा और शत्रुओं को समाप्त करने वाला होगा, शत्रुओं को पछाड़ने हराने वाला होगा, मतलब उसके पीछे अगर लोग पड़ गए तो वो शत्रुओं को पीछे कर देगा, क्योंकि मंगल है ना, मंगल तो सेनापति है तो शत्रुओं को पीछे करने वाला होगा, लेकिन प्राउडी होगा थोड़ा, क्योंकि मंगल है ना, मंगल घमंडी होता है, थोड़ा वो प्राउडी होगा। ठीक, समझ। और ऐसा व्यक्ति उच्च पदाधिकारी भी हो सकता है, उच्च पदाधिकारी, क्योंकि अधिकार प्राप्त करेगा वो, मंगल है। यानी कुल मिला के ऐसा व्यक्ति, आप इन शॉर्ट समझिए कि अगर व्यक्ति के अंदर मंगल एवं रूचक योग बना है तो ऐसा व्यक्ति बहुत साहस से, पराक्रम से धन को प्राप्त करने वाला होगा, शत्रुओं का नाश करने वाला होगा और उच्च अधिकारी हो सकता है, इवन सेना उना में अधिकारी हो सकते हैं या किसी ऐसी जनरल उनरल की पोस्ट पे पहुंच जाए, क्योंकि मंगल है ना, मंगल जनरल कर्नल इन सब की पोस्ट पे पहुंचा सकता है कि किसी दूसरे देश के साथ, मतलब समझ गए ना हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि कोई करप्शन में भी इन्वॉल्व कर ले उनको करके, कोई बहुत लंबा प्रॉफिट पैसा कमा ले, तो आजकल तो आता ही रहता है न्यूज में कि भाई वो किया, इससे जो है इतना पैसा निकाल लिया इन्होंने, ये इस प्रकार की चीजें, या गलत डीलिंग करवा दे, मतलब, और लेकिन उसका कुछ हो नहीं क्योंकि मंगल है ना, तो उसका कुछ नहीं होगा, तो ये चीज यहाँ पर आएगी। जी अमित शाह जी, हम नाम नहीं ले सकते ना, मनुष्य सोदिया ऐसे कह रहे हैं सोचने के लिए, हो सकता है। अब देखिए, अब दूसरा ये भद्र योग, तो भद्र योग में कौन सा प्लेनेट है, बुध। बुध का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, बुद्धि वाला, तो ऐसा व्यक्ति ना अपनी बुद्धि के द्वारा पैसा कमाएगा। मंगल रोचक योग में क्या था, व्यक्ति साहस के द्वारा पैसा कमाता है, ज्यादा बुद्धि बुद्धि नहीं लगाता, या आप ये वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या जितने प्रॉपर्टी डीलर होते हैं या क्या नाम है कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं, ये सब कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर्टी डीलिंग में रोचक योग को सफलता मिलेगी, दो नंबर का पैसा बहुत जल्दी वो कमा लेंगे और ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाएंगे, बस ये कहेंगे ये कर लो वो कर लो, इधर का मार्जिन मनी ले लो, तो क्या हो जाएगा, तो वहां पर मंगल रोचक योग काम करता है। लेकिन अगर व्यक्ति बुद्धि से पैसा कमाएगा तो यानी वो क्या हो जाएगा, वो भद्र योग में आ जाएगा। ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, अपनी प्रशंसा को प्राप्त कर लेता है, भाषण देने में बहुत चतुर होता है, क्योंकि बुद्ध तो वाणी है ना, तो बुद्ध वाणी है तो बोलने वाला होगा, तो बोलने में बहुत चतुर होगा, बुद्धि वाला होगा, इस प्रकार से वो पैसा कमा सकता है। और बुद्ध क्या है, बीच का एजेंट है, तो बुद्ध जब बीच का एजेंट है तो वो क्या कर सकता है कि बीच का मार्जिन मनी अच्छा कमा सकता है। जितने बिजनेसमैन होते हैं उनमें भद्र योग ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो मतलब किसी भी कंपनी, रिलायंस को उठा लीजिए चाहे जिसको उठा लीजिए, तो ये सब में क्या होगा, भद्र योग इंपॉर्टेंट होगा। तो भद्र योग यानी बुद्ध से जो पैसा कमा रहा है वो क्या होगा, वो वहां पर व्यक्ति बुद्धिमानी से पैसा कमाएगा। तीसरा ये हंस योग, हंस योग किसका है, बृहस्पति का है, तो हंस योग बृहस्पति का है, तो बताते हैं कि जिसके हंस योग होता है उसके हाथ और पैरों में शंख, कमल, मछली और अंकुश के चिन्ह होते हैं, लेकिन ये तो पुरानी बात हो गई, आजकल ऐसा नहीं देखने को मिलता। ठीक है, उसका शरीर मतलब देखने में जो बड़ा होगा, सुंदर होगा, क्योंकि बृहस्पति है ना, थोड़ा सा हेल्दी होगा वो व्यक्ति, थोड़ा ऐसा व्यक्ति, और उत्तम भोजन करने वाला हो, क्योंकि बृहस्पति तो भोजन नहीं है, उत्तम और सज्जन लोगों की संगति प्राप्त करेगा। जितने हंस योग वाले होते हैं तो ये जो बड़े बड़े मठाधीश होते हैं, शंकराचार्य होते हैं, उनसे वो लोग जो पैसा कमाते हैं उनमें हंस योग होता है, या जो मतलब कि एजुकेशन से जो पैसा कमा रहे हैं, एजुकेशन से जो पैसा कमा रहे हैं वो क्या होगा, वो हंस योग में आ जाएगा, हंस योग में आएगा वो, एजुकेशन के द्वारा या बृहस्पति की चीजों से द्वारा पैसा कमाना, बैंक से पैसा कमाना, क्योंकि ये क्या है, बृहस्पति बताया ना, बैंक है, एजुकेशन है, पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर से पैसा कमाना, ये सब किस में आ जाएगा, ये सब बृहस्पति में आएगा, ये सब बृहस्पति में आएगा।
ओम नमः शिवाय। ये कुंडली देखिए आप, एक ये दिख रही सबको ये कुंडली, इसमें आपको हंस योग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? है गुरु जी, मगर मुझे खराब हंस योग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी गुरु जी। भाई बृहस्पति केंद्र में अपनी राशि में बैठा हुआ है, हंस योग जी। है ये एजुकेशन सेक्टर से जो है इन्होंने मतलब इनकी हर साल कमाई अगर देखें तो 200-250 करोड़ रुपए है, 250-300 करोड़ भी जा सकती, कभी 500-500 करोड़ चली जाती है एक साल की कमाई। क्यों चली जाती? देखिए कौन सा योग बना है, हंस योग बना है कि नहीं बना है? जी गुरु जी बना। और किस किस सेक्टर से पैसा कमा रहे? पब्लिक सेक्टर से, एजुकेशन सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से, एजुकेशन सेक्टर से ये पैसा कमा रहे हैं। और देखिए जो हंस योग बना रहा है, हंस योग कौन बनाता है? बृहस्पति बनाता है ना। और दशा भी देखिए, दशा भी 2014 से 2030 तक बृहस्पति की चल रही है। दशा भी किसकी चल रही है? बृहस्पति की चल रही कि नहीं चल रही? जी 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 गुरु जी। साथ में राहु बैठ गए हैं, ये भी तो है। राहु बैठ गए तो और अच्छा कर दिया, क्यों? क्योंकि राहु उस ग्रह के साथ बैठ गए जो ग्रह अपनी ही राशि में, यानी यहाँ पर गुरु की पावर को राहु ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। राहु क्या करते हैं? राहु तो छाया ग्रह है ना, जिस के साथ बैठेंगे जैसा वो ग्रह उसकी पावर को बढ़ाएंगे, तो उन्होंने छाया ग्रह बन करके राहु ने गुरु की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राहु जिसके साथ बैठे वो खुद ही बहुत पावरफुल है, जिसके साथ बैठे वो खुद ही क्या है, बहुत पावरफुल है वो ग्रह। गुरु जी, वो कॉन्सेप्ट जो हम लोग शुरू में पढ़े थे, आप बताए थे कि कोई भी ग्रह अगर अच्छा ग्रह केंद्र में रहता है तो अपना फल को कम कर देता है, तो वह कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो नहीं लगेगा ये सब? नहीं, ये तो पंच महापुरुष योग में बताया गया ना, ये पंच महापुरुष योग में बताया गया जी। तो मतलब कि जो तो नॉर्मल के लिए बता दिया गया, शुरुआत में आप देखने के लिए समझो। तो अब एक्चुअली क्या है कि कम कर देने का मतलब कि बृहस्पति कभी अशुभ थोड़ी ना होगा, लेकिन उसको जितना शुभ होना चाहिए उतना शुभ नहीं रहेगा, लेकिन अशुभ थोड़ी ना हो जाएगा। ये हो जाएगा, तो हम भी कहना चाहते हैं जी, नहीं अशुभ नहीं होगा, शुभ ही रहेगा, लेकिन फल को तो कम कर देगा, जितना लाभ देना चाहिए तो उतना नहीं देगा, लेकिन फिर योग बन रहा है, इसीलिए हमने पूछा। तो अब ये तो यहाँ पे तो हंस योग भी तो बन गया, वो तो राज्य हो गए, वो तो हंस योग बना, वो तो राज्य हो गए ना। लग्नेश भी है ये, जहाँ लग्नेश भी है, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही कि वो खराब कहाँ से करेगा, लग्नेश भी है। गुरु जी केंद्रपति दोष भी तो होता है इसमें गुरु में? केंद्रपति दोष जो होता है वो सप्तम के साथ देखा जाता है, बस सप्तम सप्तमेश में, बाकी किसी में नहीं होता है, बाकी केंद्र में नहीं होगा, सिर्फ बाकी का मतलब नहीं, सप्तम के साथ हो जाए वो, मतलब दो केंद्रों का स्वामी, जैसे मीलग्न कुंडली में बुध को देखा जाएगा और धन वो मिथुन और कन्या लग्न की कुंडली में गुरु को देखा जाएगा जी। ठीक है, ठीक समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आ गई? मंगल राहु गुरु जी पांचवें योग पंच महापुरुष योग, क्या मूल त्रिकोण में नहीं बन सकते? मूल जैसे मूल त्रिकोण है हमारा, मूल त्रिकोण नहीं, त्रिकोण 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 भाव में उच्च हो जाएंगे अगर गुरु जी, तो त्रिकोण भाव में भी लग बनेगा कि नहीं बनेगा? त्रिकोण में लिखा हुआ तो कहीं नहीं मिला, जो मिला वो केंद्र में मिला है, जो जो मतलब इसका लिटरेचर है वो मिला है कहाँ पे, केंद्र में अगर ऐसा हो तो, त्रिकोण में ये बात तो कहीं नहीं लिखी गई है। गुरु जी चंद्र के साथ दृष्टि में गज केसरी बना रहेगा? गज केसरी कैसे बनता है? चंद्र गुरु की दृष्टि से तो कहाँ बन रही है, गुरु की तो दृष्टि जा रही चंद्रमा से, चंद्रमा से केंद्र में, दो तीन चार, तो चंद्रमा से केंद्र में है क्या? नहीं तो फिर
शुक्र और केतु चंद्रमा, शुक्र और केतु ठीक है। देखिए यहाँ पर इस कुंडली के अंदर जो मैंने अभी आपको राजयोग लिखवाए थे, मतलब वो कि जो प्रतिष्ठा स्तर, उसमें हमने बताया था कि जो जन्म समय की महादशा और अंतरदशा का संबंध अगर दशम भाव से हो जाए, नहीं बताया था क्या? जी सर अभी बताया। हाँ तो इसमें तो खैर ये चीज ये संबंध तो नहीं बना भाई, हमने देखा कि कृष्ण मूर्ति में चले जाइए, ग्रह पे चले जाइए। यहाँ पे चंद्रमा जो है वो शुक्र और केतु की नक्षत्र में है, नक्षत्र शुक्र यानी महादशा शुक्र की होगी और पैदा हुए केतु की अंतरदशा में। तो देखिए शुक्र का संबंध तो नहीं बना दशम भाव से, लेकिन केतु का संबंध दशम भाव से बन गया कि नहीं बन गया? जी बन गया, दृष्टि है। जी गुरु जी, दृष्टि आ गई यानी कि उसके संबंध बना, क्योंकि जो चंद्रमा देखिए शुक्र की नक्षत्र में और केतु की अंतर में है, यानी जब इनका जन्म हुआ होगा तो महादशा शुक्र की होगी और अंतरदशा किसकी होगी? केतु की। तो केतु संबंध कहां से बन गया? दशम भाव से बन गया, एक बात। फिर मैंने आपको क्या बताया, क्या बताया कि हमने फिर हमने कहा ये जरूरी नहीं कि सबकी कुंडली में बने, फिर हमने कहा कि ये भी चेक कर लीजिएगा कि दशमांश कुंडली की जो मकर राशि है, दशमांश कुंडली की जो मकर राशि है, मकर राशि में क्या होने चाहिए, या तो जन्म समय की जो दशा अंतरदशा है उसका संबंध हो जाए। तो मकर राशि में देखिए शुक्र का और केतु का संबंध बन रहा है क्या? नहीं, ना उसको कोई दृष्ट कर रहे हैं और ना उसका कोई संबंध बन रहा है। बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। चलिए कोई बात नहीं, शुक्र और केतु का संबंध नहीं बना और ठीक। अब देखिए दूसरा, ये दूसरा कि यहां पर फिर दूसरा क्या बताया था, दशम भाव में बैठे ग्रह, दशम भाव में बैठे ग्रह, जन्म कुंडली के दशम भाव में बैठे ग्रह दशमांश कुंडली के मकर राशि संबंध बनाए। तो दशम भाव में यहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है? देखिए बन रहा है गुरु जी, बन रहा है गुरु, और गुरु लग्न में बैठ के नवम दृष्टि से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं मकर राशि को? बन रहा है, देख रहे हैं। यानी यहाँ पे गुरु बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों? क्योंकि गुरु ने यहाँ पर कौन सा योग बनाया? हंस योग बनाया। गुरु ने जन्म कुंडली में कौन सा योग बनाया? हंस योग बनाया। और यहाँ पे गुरु की मकर राशि की दृष्टि आ गई, क्योंकि गुरु यहाँ दशम भाव में बैठे थे। और तीसरा मैंने कहा कि जो दशमेश है उनका संबंध मकर राशि से हो जाए दशमांश में, तो यहाँ दशमेश कौन है? गुरु। तो गुरु का भी देखे संबंध मकर राशि से दशमांश कुंडली में हो रहा है या नहीं हो रहा है? समझ में बात, तो यानी कि। और फिर क्या, दशम भाव को दृष्ट करने वाले ग्रह, तो दशम भाव को यहाँ तो कोई ग्रह दृष्ट नहीं कर रहा है जन्म कुंडली में, तो लेकिन फिर भी यहाँ पर अंतर वो तो आ ही गया, इफेक्ट आ गया। और इनको दशा किसकी मिल गई? उसी गुरु की मिल गई, जो गुरु इतना पावरफुल था, जो गुरु इतना पावरफुल था उसकी क्या मिल गई? दशा, दशा मिल गई। अब जरा देखिए गुरु की पावरफुल का एक नतीजा और बताते हैं हम आपको, क्या गुरु की यहाँ डिग्री देखिए कितनी 15 और लग्न की डिग्री कितनी 19। हमने आपको क्या बताया था कि लग्न की डिग्री के पास जो प्लेनेट होता है वो प्लेनेट अपने आप में बहुत मजबूत हो जाता है, नहीं? तो गुरु की भी डिग्री तो लग्न की डिग्री के आसपास है ना, प्लस माइनस 5 है कि नहीं है? ये बताई थी बात, नहीं बताई थी? बताई थी गुरु जी, बताई थी। तो आप देखिए, और उसी की दशा मिल गई, उसी की क्या मिल गई? दशा मिल गई।
समझ में बात नहीं आई? अब और बात जरा समझते हैं। यहां पर देखिए कि गुरु गुरु नौमांश कुंडली में लग्नेश भी हो गए हैं। पहले दशमांश कुंडली में जरा देखिए कोई राजयोग है, इसमें तो हमने देखा कि एक राजयोग मिल गया। कौन सा राजयोग मिल गया? पंच महापुरुष में। जरा दशमांश कुंडली में देखिए कोई राजयोग मिल रहा है? मंगल का देखिए रूचक नहीं, लेकिन नहीं मिला, ये तो केंद्र में नहीं था ना गुरुजी। सर में तो नहीं, तो केंद्र में तो कोई, केंद्र में तो कुछ भी नहीं मिला। चलिए अब जरा बुध, यहाँ देखिए पंचम भाव लिया हमने, केंद्र त्रिकोण का संबंध देख रहे हैं। यहाँ पहले पंचम भाव को पकड़ा, बुध और सूर्य है, कहीं बुध सूर्य आसपास नहीं है, इधर बुध इधर, चलो कोई बात नहीं। बुध का मंगल के साथ संबंध है, पंचम भाव स्वामी बुध और सातवें भाव के स्वामी गुरु। मंगल और बुध का कोई संबंध है? चंद्रमा और बुध है, मंगल नहीं, मंगल बुध का संबंध नहीं है, ठीक कोई बात नहीं। चलिए बुध और शनि का कोई संबंध है? बुध और शनि, बुध कहाँ है? ये है, और शनि कहाँ है? ये है। तो एक दो तीन दृष्टि भी नहीं आ रही है, तो ये नहीं हुआ। चलिए पांचवें भाव का संबंध किसी भी केंद्र से नहीं हो रहा है। चलिए नवें भाव का संबंध देखिए, नवा भाव कौन है? शनि। शनि का संबंध चलिए इसके केंद्र से देखते हैं, शुक्र। तो शनि का संबंध शुक्र से है, इसी में शनि ये है और शुक्र कहाँ है? ये है। अगल बगल है लेकिन कोई संबंध तो ज्यादा नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। चलिए शनि का संबंध किससे आ गई? मंगल से आ गई। गुरुजी, हाँ गुरुजी, शनि हाँ। शुक्र का संबंध है 5 डिग्री के तो लगभग अंतर में है। हाँ तो वो तो निकाला जा सकता है, लेकिन हम तो यहाँ डायरेक्ट अभी केवल देख रहे हैं। बाकी सही है आपकी बात, शनि का संबंध मंगल से है नहीं है, शनि ये और मंगल ये है। एक दो तीन चार पांच, नहीं कुछ नहीं हो रहा है। शनि का मंगल के साथ संबंध नहीं है, शनि का शनि के साथ संबंध है नवमेश दशमेश, तो खैर है ही, वो तो है ही है। अब जरा केंद्र वो लग्नेश को पकड़िए, यानी यहाँ पे शुक्र, यानी यहाँ पे शुक्र हो गए। शुक्र का संबंध सूर्य से है, शुक्र ये और सूर्य ये नहीं, और शुक्र का संबंध बुध से है, शुक्र ये बुध ये नहीं, शुक्र का संबंध मंगल से है, शुक्र ये मंगल ये नहीं है, शुक्र का संबंध शनि से है नहीं है। कोई देखिए दशमांश कुंडली में कोई ज्यादा राजयोग नहीं है, लेकिन चूंकि यहां पर जो चलने वाली दशा है वो एक खुद पंच महापुरुष में हंस योग बना रही है। क्या बना रही है? चलने वाली दशा क्या बना रही है? हंस योग बना रही है कि नहीं बना रही? उसी और उसी की दशा मिल गई। और ये जो गुरु है ये इनके क्या है, ये दशम भाव में बैठ करके दशमांश कुंडली की मकर राशि को देख रहा है। बस इतने से ही ये कितना पावरफुल हो गए जी, इतने से ही कितना क्या होगा, क्योंकि गुरु यहां पर बैठे हैं और गुरु नवे दृष्टि से मकर राशि को देख रहे हैं। ठीक है, अब एक और सिद्धांत है, उसको आगे आपको बताएंगे, वो हम देख रहे हैं जल्दी से। यहाँ पे गुरु नवे हाउस में है, नौमांश कुंडली में वो गुरु कहाँ है? नौमांश कुंडली में वो भी नवे कहाँ है? नवे भाव में है। ठीक है, नवे भाव में है। तो और वो गुरु नौमांश दशमांश है, वो तो दशमांश यहाँ पे लग्नांश है, लग्नांश लग्नांश है तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और दोनों में संबंध क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुरु नौ में और यहाँ पे गुरु पांच में है, तो नौ पांच मतलब छठे का नहीं, अरे बापरे, ये तो सबसे ज्यादा भाग्योदय करा देगी तो दशा। ये एक सिद्धांत होता है चंद्रकला नाड़ी का, ये आगे बताएंगे आपको, याद दिलाइएगा। नौमांश को किसी दूसरे तरीके से, यानी इनकी कुंडली में इस वक्त गुरु की महादशा में दशम भाव और नवा भाव एकदम एक्टिवेट हो गया, तभी इस व्यक्ति को भाग के द्वारा अपने कर्मों से कितनी ज्यादा सफलता मिलती चली जा रही है। भाई 500 करोड़ रुपए पर ईयर कमाना कोई मजाक थोड़ी ना, क्योंकि दशमांश में लग्न में हो गए, वहां पे कर्म में हो गए लग्न में, और यहाँ भाग्य के साथ चल जा रहा है। हाँ, एक चंद्रकला नाड़ी का सिद्धांत है, वो भी यहाँ पे लग गया, हंस योग बन गया। यानी देखिए आप अगर ध्यान से देखिए तो
जन्म कुंडली में और दशमांश कुंडली में कोई ऐसा केंद्र त्रिकोण का संबंध नहीं मिला हमको, नहीं मिला। लेकिन एक केवल हंस योग बना हुआ है पंच महापुरुष, इसीलिए पंच महापुरुष योग को ज्यादा प्रभावशाली मानते हैं। और वो जो जिसने पंच महापुरुष योग हंस योग बनाया बृहस्पति ने, वो बृहस्पति इस कुंडली में और चलने वाली दशा में भी उनको मिल गए। अगर इस कुंडली में हंस योग बना होता लेकिन गुरु की महादशा इनको जीवन में ना मिलती, तो क्या ये व्यक्ति अपने जीवन में इतना राइज कर पाते क्या? नहीं कर पाते। इसीलिए दशाओं का इम्पोर्टेंस दिया गया है। और एक इसमें चंद्रकला नाड़ी भी जो मैंने लगाई, उस सिद्धांत के अनुसार तो बहुत ज्यादा पावरफुल मतलब गुरु बन गया। मैंने आपको दो तरीका तो बता ही दिया है ना, मकर राशि को भी देख रहे हैं दशमांश कुंडली से संबंध बना लिया, और मतलब कि जन्म कुंडली के दशमेश हैं, दशम भाव में बैठे हैं, और दशमांश कुंडली के मकर राशि संबंध बना लिया, और वो गुरु हंस योग भी बनाए, और चंद्रकला नाड़ी के अनुसार वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। इस कारण से इनके ऊपर जो समय चल रहा है गुरु की महादशा का, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। गुरु जी, लगन कुंडली में धन भाव को दूसरे भाव को चंद्रमा पे दृष्ट भी दे रहे हैं। वो सब तो टेम्परेरी बात है, जो अभी जो लगा ना, अब यही गुरु की ना दशा ना होती थी सब ना लगता। अगर यही गुरु की दशा, गुरु जी हाँ, चंद्रकला नाड़ी से कैसा देखा जाएगा वो बताएंगे, लंबा कॉन्सेप्ट है, बता देंगे आपको। ओके सर। सर्वास्तव भी यही बात बता रहा है, यानी 2030 तक का तो इस व्यक्ति का कुछ हो ही नहीं सकता, 2030 तक ये जबरदस्त लाभ कमाएंगे। अभी 8 साल इनको और ऊपर जाना है, उसके बाद जो गुरु के बाद किसकी दशा आएगी, शनि की दशा आएगी, शनि की दशा। शनि कहाँ के लॉर्ड है? 12वें घर के लॉर्ड और 11वें के, और तो लाग देंगे अभी, अच्छे घर में है तो अच्छा फल देंगे सर, मित्र घर में है। ठीक है, देखिए शनि ने तो ऐसा कोई योग तो बनाया नहीं, और शनि नवमांश में कहाँ है? 5 में है शनि, 5 में छठा। अच्छा, और शनि 1, 2, 3, 4 नहीं, शनि की दशा इनके ऊपर ज्यादा अच्छी नहीं जाएगी, डाउनफॉल हो जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगी। ये अब 2030 तक जो बना ले शनि की दशा इनके ऊपर बहुत अच्छी नहीं जाने वाली, डाउनफॉल आ जाएगा, क्योंकि शनि के अनुसार ये बैठे सिंह राशि में है, सिंह राशि इनकी जन्म सिंह राशि क्या बन गई, सिंह राशि नौमांश बन गई, वो नहीं नौमांश बन गई, ये भी ठीक दे सकती है, बहुत बुरा तो नहीं करेगी, लेकिन जितना गुरु कर रहे हैं उतना अच्छा तो नहीं करेगी, जितना गुरु कर रहे हैं उतना अच्छा तो नहीं करेगी, समझ में आ गया? खैर ये तो अलग बात है, इस प्रकार से चीजें निकल के आती हैं। तो आपने देखा पंच महापुरुष योग में एक मैंने आपको हंस योग दिखाया, और हंस योग में के मैंने क्या बताया कि व्यक्ति एजुकेशन के द्वारा ही पैसा कमाता है, या पब्लिक सेक्टर के द्वारा पैसा कमाता है, या बैंकिंग सेक्टर के द्वारा पैसा कमाता है, या ज्वेलरी में भी पैसा कमा सकता है। वही बताया था ना, गुरु जहां विश्वास है वहां पे गुरु है, तो वो चीजों से वो व्यक्ति क्या कहता है, हंस योग से पैसा कमा सकता है। अब देखिए, अगर व्यक्ति के पर मालव्य योग बना है, क्या बना है? मालव्य। मालव्य योग किसके कारण बनता है? शुक्र के कारण बनता है, तो व्यक्ति धैर्यवान होता है और ठीक होता है, और उत्तम भोजन करने वाला होता तो सब ठीक है। अब शुक्र जिन जिन चीजों का कारक है, शुक्र जिन जिन चीजों का कारक है उसके द्वारा उसको पैसा मिलेगा। तो शुक्र तो एक तो पत्नी का कारक है, यानी कि हो सकता है कि अगर किसी की कुंडली में मालव्य योग बना हो और शादी के समय ना उसके ऊपर शुक्र की दशा आ जाए, तो उसकी शादी ऐसे उच्च घराने में होगी कि
कि वो शादी के बाद खरब पति अरब पति बन जाए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? या शादी के बाद उसका जो है एकदम अचानक लॉटरी लग जाए अचानक, क्योंकि शुक्र किस चीज का कारक है? शुक्र तो पत्नी का कारक है। एक तो पत्नी से उसको फायदा होगा, या तो उसके शादी ऐसे घर में हो जाएगी, और या तो जो है शादी के बाद उसका एकदम भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, दूसरा ये, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि शुक्र और किस चीज का कारक है? ऑटोमोबाइल्स कंपनी का, यानी ऐसा व्यक्ति गाड़ियों का शोरूम वरूम खोल ले और उसके बाद उसकी किस्मत चमक जाए। और शुक्र किस चीज का कारक है? शुक्र लग्जरी गुड्स का है, लग्जरी गाड़ी का है, लग्जरी गुड्स यानी जितने भी लग्जरियस सामान है उन सब चीजों का है। शुक्र क्या है? सॉफ्टवेयर भी है। तो ऐसा व्यक्ति कोई सॉफ्टवेयर कंपनी खोल करके अरबपति खरबपति बन जाए। तो शुक्र जिन चीजों का कारक होगा मालव योग में, वो चीजें उसको मिलने लगेंगी। लेकिन शर्त है कि उस समय उसके ऊपर उसकी दशा भी चलनी चाहिए, और वो शुक्र जितना स्ट्रांग होगा बाकी कुंडली में, दशमांश कुंडली में, नौमांश कुंडली में, तो वो और ज्यादा अच्छा होगा। तो और ज्यादा क्या होगा? अच्छा होगा। समझ में आया? ये बात हो जाएगी। अब आइए शश योग की बात करें। शश योग, शश योग मतलब किसके कारण से होता है? शनि के कारण से होता है ना। तो शनि के कारण से होने का मतलब क्या है? कि व्यक्ति जो है क्या जॉब में बहुत अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि शनि तो नौकर है ना, शनि मशीनरी भी है। तो ऐसा व्यक्ति कोई मशीन का काम स्टार्ट करे और वो लखपति करोड़पति अरबपति खरबपति बन जाए। या शनि जो है एक तो नौकरी भी हो सकता है, या शनि जो है क्या सेवा है। तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद कोई बढ़िया आईएएस पीसीएस रैंक का ऑफिसर बन करके वहां से खूब पैसा कमा सकता है, वहां से खुद पैसा कमा सकता, उच्च पदाधिकारी मिल जाए। और शनि तो राजनीति का भी कारक है, शनि तो पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को पॉलिटिक्स में सफलता बहुत मिलेगी अगर उसमें शशि योग आ जाए। हो सकता है वो चुनाव जीतकर कोई मंत्री पद प्राप्त कर ले, कोई क्या कर ले, मंत्री पद प्राप्त कर ले। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? लेकिन शश योग में एक दिक्कत है, शश योग में जो भी व्यक्ति जन्म लेगा ना, क्योंकि उसमें तो शनि उसके ऊपर डोमिनेट करेगा। देखिए हंस योग में और शश योग में अंतर क्या है? हंस योग में कौन है? गुरु। तो गुरु का आचरण और व्यवहार बहुत अच्छा होता है। तो जिसके ऊपर हंस योग के कारण पैसा आ रहा है उसका आचरण और व्यवहार बहुत अच्छा होगा। लेकिन शश योग में तो शनि है, तो शनि क्या है रूडली बिहेवियर करेगा, उसका व्यवहार उसका आचरण अच्छा नहीं होता, उसका व्यवहार उसका आचरण अच्छा नहीं होता किसमें? शश योग में। और वो ऐसा व्यक्ति अपोजिट सेक्स की तरफ क्या करता, अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे मालव्य वो क्या ना माल्या उल्या जो था, वो सबका व्यवहार वार आचरण चढ़ता तो अच्छा था नहीं। हो सकता है उसमें ये चीजें हो, कोई बड़ी बात नहीं हो। तो शश योग में उत्पन्न व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? अब यहाँ पर एक बात और बताई गई, तुम एस्ट्रोनॉम क्या नाम है कि कहते हैं कि जिस प्रकार से आप जन्म कुंडली से केंद्र भाव देख रहे हैं ना, उसी प्रकार से चंद्र कुंडली से भी केंद्र भाव देखिए। अगर दोनों से ही वो प्लेनेट केंद्र में आ रहा है तब तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन केवल एक से भी अगर केंद्र में आ रहा है तो भी अच्छा है। यानी कि किसी कुंडली में हंस योग, शश योग, मालव योग, रूचक योग, भद्र योग बने हैं, अब वो चंद्रमा से भी अगर बन जाए तो भी अच्छा देगा फल, तो भी क्या देगा, अच्छा फल देगा। अगर जी सिर्फ चंद्रमा से बन जाए बताए, तो या तो चंद्रमा से बन जाए या तो लग्न से बन जाए, दोनों से बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी नौमांश की स्थिति देखनी बहुत जरूरी है।
अगर वो नवमांश में खराब हो गया तो दिक्कत कर जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि उस ग्रह की दशा भी मिलनी चाहिए, महादशा। पर चला उस ग्रह की दशा ही नहीं आई उस व्यक्ति में, तो क्या करेगा पंच महापुरुष योग को लेकर के? बुढ़ापा में चाहे जब आ जाए, नहीं देखते बहुत सारे लोग बुढ़ापे में बड़े राइस करने लगते हैं, बहुत सारे लोग बुढ़ापे में बहुत सारे लोग राइस करने लगते हैं इसी कारण से। अब एक चीज और यहां पे लिखी गई है, मतलब है कि अगर जो ग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो ग्रह पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, जो भी ग्रह कौन बनाए, मंगल रूचक बनाएगा, बुध भद्र योग बनाएगा, गुरु हंस योग बनाएगा, शुक्र मालव योग बनाएगा और शनि शश योग बनाएगा, शनि शश योग बनाएगा। अगर वह ग्रह सूर्य चंद्रमा के साथ हो, सूर्य चंद्रमा के साथ हो, तो ऐसा व्यक्ति फिर इतना ज्यादा राइज नहीं कर पाएगा, ऐसा व्यक्ति इतना ज्यादा राइज नहीं कर पाएगा। हाँ, जब उसकी दशा आएगी, महादशा या अंतर दशा, तो उसको अच्छे फल तो मिलेगी लेकिन राइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि सूर्य के साथ आने के कारण तो वैसे भी अस्त हो गया, सूर्य के कारण आने से वो वैसे भी अस्त हो गया, और चंद्रमा के कारण पता नहीं क्यों इन्होंने लिया हुआ है, मंत्रेश्वर जी ने चंद्रमा के कारण क्यों उन्होंने बोल दिया ये, तो क्योंकि चंद्रमा हो सकता है जल्दी जल्दी चीजों को चेंज करता है ना, तो चंद्रमा का इंपैक्ट उस पर पड़ने लगे, लेकिन चंद्रमा वाला तो जस्टिफाई नहीं हो पाती बात, लेकिन अब चूंकि उन्होंने लिखा है भी नहीं कर सकते, सूर्य से तो समझ में आ रहा होगा ना, इतना नुकसान गुरु जी चंद्रमा के बारे में लिखा हुआ कि इतना नुकसान हो जाएगा कि दूसरा कोई सब फायदा उठा लेगा और चुपचाप बैठे रह जाएंगे, चंद्रमा बहुत चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है ना, और चंद्रमा खराब अगर हो गए तो चंद्रमा पक्ष बल में खराब हो जाते हैं, चंद्रमा का तो पक्ष बल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके कारण से। लेकिन मान लीजिए चंद्रमा अगर पक्ष बल में उस कुंडली में मजबूत है और फिर चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो क्या होगा? तो ये तो लिखते हैं कि नहीं वो तो खराब फल देगा, मतलब उतना अच्छा फल नहीं देगा जितना अगर सूर्य चंद्रमा के साथ नहीं है। बट यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो ये रिसर्च का विषय है, इसको आप लिख करके कवर कर ले कि चंद्रमा के साथ अगर ये योग बन रहे हैं, रूचक योग, भद्र योग या जो भी मैंने बताए, तो क्या उस व्यक्ति को अच्छे फल दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्योंकि ये तो अब रिसर्च का विषय है। अब बहुत सारी कुंडली देखिए उसको आपको समझ में, लेकिन ये तभी होगा जब उसकी दशा या अंतर दशा आए। अब पता चला कोई भी महापुरुष योग बना है आपने और उसकी आपके ऊपर दशा नहीं आई है, केवल अंतर दशा आई है, तो भी आपको फल दे देगी। महादशा तो बहुत लंबे समय तक फल देगी और अंतर दशा कुछ समय के लिए फल देगी, लेकिन फल तो दशा में ही मिलेगा। फल किसमें मिलेगा? दशा में ही मिलेगा, लेकिन उस ग्रह का आगे के डिविजनल चार्ट्स में, स्पेशली D9 और D10 चार्ट में, उस ग्रह का मजबूत होना अति आवश्यक है, उस ग्रह का मजबूत होना अति आवश्यक है। अगर वह ग्रह मजबूत नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? जी गुरु जी, गुरु मनमोहन सिंह का यस। चलिए, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आपको नेक्स्ट हम बताएंगे अनफा सुनफा योग, जो चंद्रमा से देखा जाता है, जो चंद्रमा से जो योग देखे जाते हैं, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, केवल इन पांच ग्रहों से समझना चाहिए और सूर्य के साथ इनकी गणना नहीं करनी चाहिए, केवल चंद्रमा से इनकी गणना करनी चाहिए। तो इनमें पहला जो आता है वो अनफा योग आता है, ठीक है, फिर सुनफा योग आता है, फिर ये सब क्या होते हैं, तो ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कल। तो इतना आपको क्लियर हो गया ना,
पंच महापुरुष योग समझ में आया आपको? जी गुरुजी। और पंच महापुरुष योग लगते कैसे वो आपको समझ में आया, उसके कारण से किस प्रकार से उसको धन प्राप्त होगा वो समझ में आ गया। लेकिन पंच महापुरुष में आपको क्या ध्यान देना है, वो सूर्य चंद्रमा के साथ नहीं होने चाहिए, वो ग्रह केंद्र में होने चाहिए। दूसरी बात है कि वह D9 और D10 में भी मजबूत होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उस ग्रह की दशा भी आनी चाहिए जीवन में, तभी वो फल हमको मिल पाएगा। ठीक है, ये जो आपके सामने कुंडली खुली है, इस कुंडली में बहुत ज्यादा दम नहीं है, थोड़ी बहुत और दम भी है बताएंगे आपको, लेकिन बहुत ज्यादा दम नहीं है। बस इस कुंडली में सबसे एक ही ग्रह उछाल मार दिया, कौन सा? हंस योग। और उस हंस योग के कारण से दशमांश कुंडली में क्या बन गई, दशमांश कुंडली में मकर राशि से उसने संबंध बना लिया और उसकी दशा मिल गई, उसकी दशा मिल गई। ठीक है,